बिग बॉस 13 ट्रॉफी के साथ सिद्धार्थ को मिली मोटी रकम, जानिए रन अप को क्या प्राइस मिला। दोस्तों बिग बॉस 13 सीजन के अंत में सिद्धार्थ शुक्ला विजेता घोषित किए गए। टॉप 2 में असीम और सिद्धार्थ के बीच काफी बड़ी टक्कर हुई, जिसके बाद लाइव वोटिंग के चलते सिद्धार्थ को विजेता घोषित किया गया। इसी जीत के बाद सिद्धार्थ के ऊपर पैसों की बारिश हो गई, जहां सिद्धार्थ ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए भी जीत गए। इससे पहले के सीजन में विजेता का प्राइस 25 लाख होता था, लेकिन इस सीजन को बढ़ाए जाने पर विजेता की प्राइस को भी दोगुना कर दिया गया। इसी बीच रनअप को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस की तरफ से चारों रनअप को अबू धाबी के यॉस आइलैंड में जाने का मौका मिला है। आपको बता दें कि यॉस आइलैंड इस वक्त दुनिया का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यही नहीं, वहां बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग की जाती है। रनर अप में शहनाज गिल, आरती सिंह, रश्मि दसाई और असीम रियाज शामिल है। ये चारों सदस्य अपने साथ किसी एक व्यक्ति को साथ ले जा सकते हैं, जिसका सारा खर्च बिग बॉस की तरफ से होगा। पारस ने ट्रॉफी की जगह पैसों का बैग उठाया था, जिस वजह से उन्हें रनअप में शामिल नहीं किया गया। हालांकि सलमान ने बाद में पारस को बताया था कि उसमें कोई पैसे नहीं, उनको घर से बाहर होने के लालच दिया गया था, जिसमें वो फंस गए। अब सलमान पारस से सच कह रहे थे या मजाक कर रहे थे, इसकी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। बहरहाल आपको क्या कहना है इसके बारे में? दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।